वॉयरिज्म, पॉर्न एडिक्शन और हस्तमैथुन की लत, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस इसके पहले पब्लिश किए हुए हैं। ये एक मैं स्पेशल केस अभी आपको बताने वाला हूँ। ये लड़का करीब करीब 28 साल का है, इसकी हिस्ट्री मेरे सामने है और इसका यह है कि इसको वॉयरिज्म का प्रॉब्लम है। वॉयरिज्म मतलब क्या होता है? वॉयरिज्म मतलब यह है कि कोई व्यक्ति यदि अनड्रेस कर रहा है, कपड़े निकाल रहा है या कपड़े बदल रहा है, तो उसको उस समय देखना, या सेक्सुअल एक्टिविटी कोई कर रहा है तो उनको देखना उस समय, या स्नान कर रहा है नेकेड या नेकेड होता है तो उसको देखना, वॉयरिज्म बोलते हैं उसको। और उसमें उसको बहुत एक्साइटमेंट आती है, बहुत मजा आती है। तो घर के घर में भी वो अभी ये एक्टिविटी में लगा हुआ है कि घर के कोई व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं तो वो देखना, उसको बहुत मजा आता है। और बाद में फिर बहुत गिल्टी भी लगता है कि भाई ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, घर के लोगों को ऐसे देख रहा हूँ। स्नान करते हुए देखना, कोई छेद करके रखा, उसने क्या है कि इसको बिना बोले बाथरूम के दरवाजे को छेद करके रखा घर में, और इसको मालूम नहीं था, तब करके रखा हुआ है और वहाँ से बराबर देखता है वो, और कोई पकड़ लेंगा करके डरता भी है, तो वो देखता है कि भाई कोई नेकेड जब होता है स्नान करें, उसको देखना, उसको लत लगी हुई है, उसको उसके से गमता ही नहीं। तो ये एक उसको है प्रॉब्लम। उसके साथ साथ उसको पॉर्न एडिक्शन है। पॉर्न एडिक्शन मतलब सेक्सी वीडियोस देखना, होमोसेक्सुअल या हेट्रोसेक्सुअल वीडियोस जो है, सेक्स के एडल्ट वीडियोस वो देखना, और वो देखते देखते फिर मास्टरबेशन करना। तो कभी वो देखते कि मास्टरबेशन करना या बिना देखे भी मास्टरबेशन करना। तो पॉर्न वीडियोस में कम से कम वो 2-3 घंटे चालू रखता है दिन भर में। कभी कभी जब जब टाइम मिले तो अकेले कमरे में जाना, पॉर्न वीडियो देखना, बार 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 उसको करना ही पड़ता है। और तीसरा जो है उसको मास्टरबेशन की लत है कि एक तो पॉर्न वीडियो देखते देखते मास्टरबेशन करो कंपल्सरीली, इच्छा भी नहीं है तभी भी, और नहीं तो अकेले जब कहीं भी टाइम मिलता है, जहाँ भी मौका आता है, जैसा लेटरिन को गए तो वहाँ कर सकता है, बाथरूम में स्नान करने के समय, या रात को फिर जब सोता है तो कोई देख नहीं रहा है तो कर लेना, ऐसा उसको बहुत बार मास्टरबेशन करने की आदत है। मतलब ये तीनों इससे परेशान है, तीनों भी इसमें उसको करना ही पड़ता है, मजा नहीं आती, और उसको मालूम है कि ये ठीक नहीं है, गिल्टी फीलिंग भी लगता है, और उसको लगता है कि भाई मैंने वॉयरिज्म, क्योंकि इसमें मार खाने की नौबत आ सकती है, कोई पकड़ लेगा, मारेगा, ठोकेगा उसको, और घर के घर में गिल्टी भी लगता है कि भाई अपने मदर को ही देखना, अपने वाइफ को देखना ऐसा करते हुए, मतलब ऐसा उसको लगता रहता है। तो ये 10 साल से है, और इसके लिए मैंने बोला ठीक है आपको ये लत है तो फिर अभी मुझे आपको दवाई देनी पड़ेगी। तो बोले दवाई से होगा क्या? मुझे दवाई लेनी नहीं। मैंने ठीक है आप थोड़ी दवाई तो ले लो, मैं हिप्नोथेरेपी करूँगा और उसके साथ साथ साइकोथेरेपी करूँगा और दवा भी ले लो। तो बोले ठीक है, तो मैं दोनों चालू किया, हिप्नोथेरेपी चालू की और दवाई भी चालू किया। 7 दिन के बाद में ही उसका मुझे फ़ोन आ गया, बोले मुझे बहुत आराम है, बहुत ही ज़्यादा आराम। मतलब उसको जो बार 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 विचार आ रहे थे, बार 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 वही करने की इच्छा हो रही थी, बोले तो मतलब उसको शब्द नहीं थे धन्यवाद देने के लिए। बोले हुआ ही कैसे? अभी तक मैं इतना परेशान, इतनी मैंने मुसीबतें सहन की, इतनी तकलीफ सहन की हुई है इसके लिए, और आपने सिर्फ 7-8 दिन के दवाई में कितना अच्छा कर दिया। क्या होता है कि एंटी ऑब्सेसिव दवाई कभी कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेती है, बहुत ही बढ़िया, और फिर उसमें अच्छा भी लगता है उसको। तो उसका हिप्नोथेरेपी करके उसको विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन का टेक्निक, फिर बिहेवियर थेरेपी वो भी दिया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एवर्शन थेरेपी, साइकोथेरेपी और दवाइयाँ, ये सब चालू किया। तो काफ़ी फ़र्क है। अभी जब लास्ट मेरे पास में आया तो बोले मेरे को थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, और मुझे ऐसी इच्छा है कि वो पूरा 100% ठीक हो जाए और मैं दवा कम करूँ, दवा बंद करूँ। तो ये संभव है, लोगों का सफरिंग इतना होता है उसमें, ये संभव है, और लोग ठीक अपना जीवन जी सकते हैं। अब ये जो शादी होने के भी मतलब शादी होने के बाद में भी मास्टरबेशन करना और शादी होने के बाद में भी पॉर्न एडिक्शन देखना, ये बहुत तकलीफ वाला होता है। क्योंकि क्या होता है कि मास्टरबेशन करता है तो फिर सेक्स की इच्छा कम होती है। अब सेक्स की इच्छा कम हो रही है, उधर सेक्स नहीं कर रहा है वाइफ के साथ में, तो वाइफ चिल्लाती है कि क्या हो गया भाई, उसको लगता है कि नहीं इसका बाहर कोई कनेक्शन होगा इसलिए घर में करता नहीं। ऐसा वाइफ को भी मालूम नहीं कि मास्टरबेशन की लत है, वो बोलता नहीं है, बोले मैं ऐसा बोलूंगा तो वाइफ भाग जाएगी। पॉर्न एडिक्शन वो भी वाइफ को सोने के बाद में फिर ये पॉर्न देखते रहता है। एक दो बार वाइफ उठ गई, उसने देखा कि ये वीडियो वॉच कर रहा है, उसको लगा कि नहीं ये व्हाट्सएप कर रहा है और अपने कोई फ्रेंड के साथ में बातचीत करता हूँ, उसने तुरंत बंद कर दिया, बोले कुछ तो भी है। तो ऐसे उनके झगड़े चालू हो गए।
तो ये सब ठीक हो सकता है यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो अपना जीवन अच्छा हो सकता है। और हमारा जो मकसद है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बन सकते हो। ये वीडियो लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपना लाइफ अच्छे से जी सकेंगे, खुशहाल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।